हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। इस वीडियो में हम मेंसुरेशन के सभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो सीजीएल के एग्जाम में 22-23 में पूछे गए हैं। 22-23 कहने का सेंस ये है कि जो पेपर हुआ है वो आपका 1 दिसंबर 2022 से लेकर 13 दिसंबर 2022 तक ये पेपर आयोजित किया गया था। तो एसएससी सीजीएल के लिए जो सबसे लास्ट या फिर लेटेस्ट पेपर है वो यही है, और ये प्री का पेपर है। इसमें टोटल 40 शिफ्ट्स में पेपर लिए गए थे, और पूरे 40 शिफ्ट्स का कुल मिलाकर 54 क्वेश्चन मेंसुरेशन के आए हैं। ठीक है, तो पूरे 54 क्वेश्चन में इसी पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो एक वीडियो में सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा जो भी मेंसुरेशन से पूछे गए हैं। ठीक है, चाहे वो 2D का हो या फिर 3D का हो। और वीडियो जो है इसमें क्वेश्चंस बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप NK मैथ्स ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां पर PDF मिल जाएगा। और अगर आप YouTube पर नए हो तो हमारा ये चैनल NK मैथ्स नंदू कुमार जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बेल आइकन भी प्रेस कर लेना चाहिए ताकि आपको हर एक आने वाली नई वीडियो का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। इसके अलावा एक और बात की अगर आपको कोई डाउट है, ऐसा डाउट जो पर्सनली मुझसे पूछना चाहते हो, तो आपको इंस्टाग्राम पे NK मैथ्स की ID पर उसे शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं खुद ऑपरेट करता हूँ। तो जो आप डाउट इस पर भेजोगे मैसेज में स्क्रीनशॉट लेके, उसका जो सोल्यूशन है वो मैं डायरेक्ट प्रोवाइड करा दूंगा आपको। ठीक है, फिलहाल मैं स्टार्ट करता हूँ, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से वीडियो को लाइक कर लेना, और वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए आप लोग, इसलिए कि अब जो पेपर है आपका, मुझे नहीं लगता है कि 2 महीने से ज़्यादा उसमें टाइम रह गया है, 2 महीने से भी कम ही टाइम है। तो इसीलिए थोड़ा मेहनत कीजिए और पूरी वीडियो को देखिए, और वीडियो में हर एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिए। ठीक है, तो मेंस को ध्यान में रखते हुए मैंने एडवांस को पहले कवर करने का फैसला ले लिया है, जिसमें अभी ज्योमेट्री का 3 वीडियो मैं ऑलरेडी ला चुका हूँ। ठीक है, उसमें एक वीडियो और आएगा, और मेंसुरेशन पूरा मैं सिंगल वीडियो में ही खत्म करूंगा। तो पहला क्वेश्चन जो है अपने पास वो ये है, हेमिस्फीयर ऑफ लीड ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज कास्ट इनटू अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 72 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। देखो, जब एक हेमिस्फीयर यानी कि अर्ध गोले को लंबवृत्तीय शंकु में ढालोगे तो दोनों ही केस में क्या होगा, वॉल्यूम सेम होगा उनका। वॉल्यूम यानी कि जो हिंदी में आयतन आप बोलते हैं वो समान रहेगा। तो बस आयतन का फॉर्मूला सेम कर लो आप, जैसे अर्ध गोले में आयतन क्या होता है, 2/3 और पाई और इसका R³। ठीक है, इसका R कितना है, 4, तो आप 4 का क्यूब लिख दोगे 64। राइट साइड में यहाँ पर लंबवृत्तीय शंकु है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, उसका त्रिज्या तो बताना ही है, तो R² रहने दो, h की जगह पर आप 72 ले लोगे, यही होगा। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर आप 8 से काटोगे 8 8 और ये 8 9 72, और ये पाई से पाई भी कटेगा, तो R² की वैल्यू 16/9 आएगा, यानी कि R की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। तो ये 1.33 आएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड होगा। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ हैविंग डायमीटर ऑफ द बेस एज 13 सेंटीमीटर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन। लगभग सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, और आपको पता होना चाहिए कि जब भी क्वेश्चन सिमिलर होते हैं, बस डेटा चेंज हो, तो वैसे केस में वो क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे देता हूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, यानी कि आप लोगों के लिए है। आंसर कैसे करना रहता है, हैशटैग लगाते हैं आप, फिर लिखते हैं NK मैथ। देखो, जब हैशटैग के बाद आप NK मैथ लिखो ना, NK मैथ्स S भी लगना चाहिए, तो इस पूरे में आप कहीं भी बीच में स्पेस मत लगाओ, इसके बाद स्पेस दे करके आप लिख लो क्वेश्चन नंबर 2, और फिर इसका आंसर ABC जो भी बनता है वो लिख दो। तो इस तरीके से आंसर आपको इसका लिखना है, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, आगे बढ़े। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, ये कह रहा है कि व्हाट इज द एज ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द क्यूब्स ऑफ एज दिस। यानी कि तीन अलग अलग आपके पास घन दिया गया है, और तीनों के आयतन का योग किसी एक घन के आयतन के बराबर है, तो उसका आपको एज बताना है, यानी कि किनारा बताना है। तो आपको पता है कि जो वॉल्यूम होता है वो L³ होता है, फिर इनका क्यूब भी आप प्लस कर लोगे, 6³
प्लस 8 क्यूब और प्लस 10 क्यूब। तो एल का क्यूब ये इधर कितना आ जाएगा, 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब आ जाएगा 512 और 10 का क्यूब तो 1000 हो जाएगा। अगर प्लस करते हो तो 6 और 2 8 आ गया, फिर 1 और 1 2, तो यहाँ पर 2 आ गया और 5 2 7 1728। ये किसका क्यूब होता है दोस्तों, 12 का क्यूब होता है, तो 12 सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक आयतन प्रदान करेगा, इसमें से किसका आयतन ज्यादा होगा। देखो ये 6 7 और 8 किनारों वाला घनाभ, घनाभ का आयतन होता है एल इंटू बी इंटू एच, तो इनका प्रोडक्ट ले लोगे आप, 6 7 42 गुना में 8 यही आएगा। और यहां पर घन का तो 7 का क्यूब ही हो जाएगा, एल क्यूब होता है, तो 7 का क्यूब 343। ये मल्टीप्लाई अगर करोगे 8 दुना 16 और 8 चौका 32 और 1 33, तो ये ज्यादा आ रहा है 343 वाला। ठीक है, यानी कि जो क्यूब है उसका आयतन ज्यादा होगा, क्यूब ही होगा ना। अगला क्वेश्चन में आपको बोला है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ चला गया भाई। यस, इफ द डायमीटर ऑफ अ सरफेस इज 63 सेंटीमीटर, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। सॉरी ये स्फीयर था, तो टोटल सरफेस एरिया आप निकाल सकते हैं, तो ये मैं होमवर्क के लिए छोड़ देता हूं। अब ऐसे क्वेश्चन को जरूरी नहीं कि आप कमेंट बॉक्स में लिख ही डालो, लेकिन जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो जरूर आप करो। ठीक है, ये आप खुद से कर सकते हो और ये करना है आपको खुद से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ हेमिस्फीयर बाउल मेड ऑफ आयरन हैज इनर डायमीटर ऑफ 84 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ रेट 21 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो बस यहाँ पर यूनिट देखो कि जो यहाँ पर रुपए की लागत लग रही है ना, जो रेट लग रहा है वो किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, वहां पर क्या यूनिट यूज किया है। अब आप देखो कि यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट यूज किया गया है और ये यूनिट होता है एरिया का, तो पहले आपको एरिया निकालना पड़ेगा। ओवरऑल क्वेश्चन यही है कि जो अर्धगोला कटोरा है उसमें आपको ये बताना है कि अंदर की तरफ टीन चढ़ाने की लागत क्या होगी और टीन का कीमत यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तक टीन आप लगवाते हो या चढ़ाते हो तो उसके लिए 21 रुपए लगेंगे। तो पहले आप अर्धगोले का एरिया निकाल लो। अर्धगोले में अंदर की तरफ देखो, ये अर्धगोला है, अंदर की तरफ से अगर टीन लगाओगे तो बस यहाँ यहाँ टीन लगेगा, यही होगा ना, यही टीन लगेगा। तो ये जो एरिया बनेगा ये 4πr² का हाफ यानी कि 2πr² बनेगा। अब देखिए ये एरिया अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आप बोलोगे 2π यानी 22/7 और r² यानी कि रेडियस हो जाएगा 42 × 42, राइट। ये एरिया आ गया। आपको ये भी पता है दोस्तों कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के लिए 21 रुपए खर्च होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना होगा, 21/100, और हमें इतने एरिया का निकालना है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 21/100 को। ओवरऑल अब हमें यही कैलकुलेट करना है। इसमें आप देखो अगर मैं 7 से काट देता हूं इसको, तो ये 7 × 21, तो ऊपर आपके पास बचेगा 2 × 22 × 42 × 42 और × 3/100। अब देखो ये 100 देख के आपको ये पता चल गया होगा कि 100 से डिवाइड करने पर तो परफेक्ट नंबर ही मिलना है। ये चीज लिखना कतई गलत है कि दशमलव के 2 स्थानों तक सही निकालें। ठीक है, और ये बस आपको भ्रम में डालने के लिए है, ऐसा नहीं है कि ये इसका कोई मतलब बनता है, ये आपको बस क्या है कि उलझाने के लिए या फिर डराने के लिए दिया गया है। जैसे आप ये बात समझो, जब 100 से डिवाइड करोगे तो लास्ट में 2 डिजिट ही आएगा डेसिमल के बाद, तो ये सारे तो नंबर परफेक्ट हो गए, इसके बाद और कुछ डेसिमल में आना नहीं है, तो हम यूनिट डिजिट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 3, 48, लास्ट में 8 आएगा, तो ये गलत हो गया पहली बात। और उसके बाद देखो जो आंसर है वो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी कि वो 16 से कटेगा। ठीक है, तो पहले तो हम 8 से कटने वाला ही चेक कर लेते हैं। अगर लास्ट का 3 डिजिट देखते हो तो 8 × 8, 8 × 6, 48 कट गया। यहां देखो 8 × 6, 48 और फिर 68, ये नहीं कटा, और ये भी 54 है, ये भी नहीं कटा, तो पहला ऑप्शन ही बचता है और यही सही उत्तर है। आप चाहो तो पूरा कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, डिजिटल सम भी यहाँ अप्लाई कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, इफ द डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर इज दिस, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालना इतना मुश्किल काम नहीं है, दिस इज होमवर्क फॉर यू।
नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 8। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया है, इतना वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयतन। यहाँ पर एक्चुअली ये मिस्टेक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये दो रहना ही नहीं चाहिए। देखो जब वर्ग लिख दिए तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं, एक्चुअली में ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखने की कोशिश की गई है, लेकिन वो भी नहीं लिखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ये चीज ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये चलेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ जब पहले से वर्ग लग गया तो यहाँ पर स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 × L² और ये किसके बराबर है, 864 के। 6 से अगर डिवाइड कर दोगे तो ये 14 × 6 = 84 और फिर बच जाएगा आपके पास 6 × 6 = 24। अगर एल स्क्वायर की वैल्यू ये है तो एल कितना हो गया, 12, और आपको आयतन बताना है जो कि एल क्यूब होता है, तो ये 12 का क्यूब होगा जो कि 1728 होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है 8 का। अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं, द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 5 times ऑफ इट्स हाइट, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3.5 cm, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सबसे पहले सिलेंडर का वॉल्यूम बताना है, आपको पता होगा कि ये पाई आर स्क्वायर और एच होता है। पाई की वैल्यू आप यूज कर सकते हो 22/7। आर स्क्वायर रेडियस आपको दिया हुआ है यहाँ पर, कि जो रेडियस है वो हाइट की 5 times है और हाइट आपको दिया हुआ है कि 3.5 है, तो हाइट 3.5 है तो इसका 5 times ये रेडियस बन गया, इसका स्क्वायर, ठीक है, और इंटू एच, तो एच कितना है आपके पास, 3.5 है। यही बात है, अब 7 से काटोगे तो ये 7 × 5 = 35 0.5 और 22 × 5 = 110 होता है, तो ये 11 बन गया और यहां हो गया आपका 5 का स्क्वायर 25 और 35 का स्क्वायर हो गया 1225, ठीक है, ये आ गया। इसको कैलकुलेट करना है, अब इसको देख के दो चीजें आप यहाँ पे कह सकते हो, पहला बात कि आंसर 11 से कटेगा, ठीक है, दूसरा 25 से कटेगा, तो 25 से तो सारा ही ऑप्शन कैंसिल आउट हो रहा है। 11 से चेक करते हैं, ठीक है, ऑप्शन से चेक करके एक बार देखते हैं 11 से कौन कटेगा। अगर पहले ऑप्शन की बात करो तो 3 और 6 = 9, 9 और 7 = 16, ठीक है, और ये आ गया 3 और 8 = 11 और 5 = 16 -16, यानी कि ये 0 आ गया, तो ये 11 से कट रहा है। दूसरी ऑप्शन की बात करें तो 3 और 7 = 10 और 7 = 17 और माइनस ये आ गया 8 और 2 = 10 और 5 = 15, ये नहीं कटेगा। ये हो गया 3 और 4 = 7 और 7 = 14 और माइनस ये आ गया 1 और 6 = 7 और 5 = 12, ये भी 11 से नहीं कटा। लास्ट ऑप्शन की बात करें तो 3 और 2 = 5 और 2 = 7 और ये आ गया 5 और 4 = 9, 9 और 5 = 14, ये भी नहीं कटा क्योंकि ये साथ ही आएगा। देखो 11 से कब कटता है कोई भी नंबर, जब या तो उसके अल्टरनेट डिजिट्स का सम, यानी कि जो एक एक छोड़ करके जो आप अंकों का योगफल निकालते हो उनका अंतर यानी कि डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर वो 11 से डिवाइड हो जाना चाहिए, तभी वो 11 से कटता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है कि 36 मीटर लंबाई, 18 मीटर चौड़ाई, 9 मीटर ऊंचाई वाले घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तो घन के विकर्ण की लंबाई बताइए। देखो जब भी एक चीज पिघला करके, एक चीज को मेल्ट करके और दूसरा चीज रिकास्ट किया जाता है, यानी कि किसी और चीज को बनाया जाता है, तो वॉल्यूम सेम रहता है। ये पहले क्वेश्चन में ही मैंने आपको समझाया। तो घन का जो वॉल्यूम होता है ये एल क्यूब होता है और घनाभ का जो वॉल्यूम होता है वो एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो ये हो गया 36 और गुणा में 18 और गुणा में 9। तो L का मान किसके बराबर आ जाएगा, देखो 36 को आप लिख सकते हो दोस्तों 9 × 4 = 36, 18 को लिख सकते हो 2 × 18 और ये 9 तो रह ही गया आपके पास। तो देखो ये 1, 2 और 3, L का मान 3 9 में से 1 9 बाहर आ जाएगा और ये 4 × 8 का L किसका क्यूब होता है, 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है। तो L का मान आ गया 18। अब विकर्ण की लंबाई क्या होती है, √3 × L, तो √3 × L का मान 18, तो 18 और √3 यानी कि 10th जो क्वेश्चन है उसका पहला ऑप्शन सही है। अगर मैं 11 नंबर की बात कर लूं दोस्तों, ये कह रहा है कि दी गई आकृति में एक चतुर्भुज है जिसका नाम है APCQ, उसमें एक वर्ग बना हुआ है जो कि ABCD है, आपको AB 16 दिया हुआ है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। अच्छा देखो AB यानी कि ये वैल्यू आपको 16 दे रखा है और चूंकि ये एक वर्ग है यानी कि स्क्वायर है, यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है, तो ये भी 16 होगा,
ये भी 16 होगा और ये भी 16 होगा। अब देखो यहां पर जो हमें शेडेड रीजन का एरिया बताना है, तो शेडेड रीजन आप कैसे निकाल सकते हो, देखो ये जो आपके पास 1/4 ऑफ सर्कल है ये पूरा, इसमें से अगर ये स्क्वायर आप माइनस कर दो, ठीक है, इस वाले में से अगर स्क्वायर आप माइनस कर दो तो आपके पास क्या बचेगा, क्या ये शेडेड पार्ट नहीं बच जाएगा, जो ऐसे बच रहा है बस यही तो बचेगा आपके पास ना, जब माइनस करोगे इसमें से अगर इसको माइनस कर दो तो बस यही वाला शेडेड पार्ट बच जाएगा। तो ये जो है ये तो 1/4 ऑफ सर्कल है, तो आप 1/4 और पाई यानी कि 22/7, या फिर अगर 3.14 बोल रहा है तो आप वही ले लो, 3.14, 1/4 और पाई आर स्क्वायर लिखोगे। रेडियस कैसे निकालोगे, आपको पता है कि अगर मैं यहां से यहां तक लाइन खींच दूं तो ये एसी जो है ये रेडियस बन जाएगा, लेकिन एसी डायगोनल भी है, तो डायगोनल होने के कारण ये √2 और इंटू साइड हो जाएगा यानी कि 16। तो यहां पर 16√2, तो 16 × 16 लिख लो, और √2 का स्क्वायर 2 लिख लो, और माइनस ये स्क्वायर का एरिया, तो 16 का स्क्वायर हो गया 256। अब यहां से आप बात समझ पाओगे कि 16 का स्क्वायर जो है ये तो है कॉमन, तो 256 को ले लिया हमने कॉमन, और ये कट गया 2 × 4, और 2 से 1 कट गया, 15 × 23 और 7 × 14, ठीक है, यानी कि ये आ गया 1.57 और माइनस का 1, तो ये 256 और गुणा में 0.57, तो 6×42 लास्ट में 2 आएगा, ये बात तो फिक्स है ना, 6×42 आप मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। और यहां भी ये बात तय है, देखो कितना पागल ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप बताओ क्या ये फिक्स नहीं है कि दोस्तों कि डेसिमल के बाद जब 2 ही पॉइंट है तो आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो भी डेसिमल के बाद 2 ही पॉइंट लगेगा, सॉरी डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट रहेंगे, आई मीन टू से, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब ये है, मैं जो बताना चाहता हूं उसका मतलब ये है कि इस बात से आपको घबराना नहीं है, आप जब यहां तक पहुंच गए तो ये बात आप तय कर लोगे कि भाई डेसिमल के बाद अगर 2 ही डिजिट आने वाले हैं तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, और आप लास्ट डिजिट लगा सकते हो कि 2 है, और यहां पर ऑप्शन डी अपना सही आंसर है, ठीक है। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, और इसके बाद भी अगर आपको वीडियो समझ नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन अगर अच्छा लग रहा है, आप समझ पा रहे हैं कि कैलकुलेशन को कैसे टैकल करना है, तो जरूर से आप लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए, अपनी खुशी जाहिर कीजिए, ठीक है। ये लो, कुछ नहीं मिला, मिल गया। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूं तो ये कह रहा है कि एक गोले का आयतन दिया है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। जब गोले का आयतन दिया है तो ये 4/3 पाई यानी कि 3.14 और पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यूब ये दे रखा है आपको, कितना भाई 24416.64। यहां से आर की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, फिर हमसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4π r², ठीक है। तो पहले काट पेट के आर की ही वैल्यू निकालते हैं, 4 से इसको काटते हैं, ये डेसिमल से तो डेसिमल चला जाएगा, 4 से काटते हैं, 4×6=24, 4 एक बार में 0, 4×4=16 और 16×6=64, ठीक है ना। अब देखो 4×3=7, 3 से तो ये नहीं कटने वाला है, इसका मतलब r की वैल्यू 3 से कट जाएगी। देखो अगर r क्यूब की वैल्यू मैं यहां से भी निकालना चाहूं तो आप बोलो कि 6 1 0 4 1 6 × 3 / 3 1 4 आएगा। अब चूंकि ये 314 जो है ये 3 से नहीं कटेगा, यानी कि r में 3 तो रह ही जाएगा, और चूंकि r की वैल्यू में 3 आएगा इसलिए ये जो आंसर है ये 3 से कटेगा पहली बात, और ये जो 4 है तो इस 4 से भी कैंसिल आउट हुआ, क्योंकि इसमें देख रहे हो r की वैल्यू में नीचे 4 नहीं आएगा, क्योंकि ये 4 का क्यूब है ही नहीं, इसका मतलब इससे ये कटेगा, हो सकता है 4 बार में कट जाए, 4×6=16, जब लास्ट में यूनिट डिजिट पर 4 आ जाए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि देखो यहां 4 होने के कारण आंसर 4 से कटेगा, और चूंकि r में 3 आ रहा है तो आंसर 3 से भी कटेगा। अब अगर ऑप्शन ही में चेक करो तो 4 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, ये सब 4 से कटेंगे ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन है, अगर कोई और ऑप्शन मैच करता तो हम 3 से चेक कर लेते, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है, और इसमें बहुत कम समय लगा अगर आप ये तरीका लगाते हो तो। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि इफ द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज दिस, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया। ये भी होमवर्क रह गया, 13 वाला भी मैं छोड़ता हूं, 14 पे आ जाता हूं। 14th कह रहा है दो बेलनों की त्रिज्याएं, दो बेलन हैं आपके पास, उनके रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, हाइट का भी रेशियो दिया है, आयतन बताना है। आयतन आपको पता है बेलन में होता है पाई
आर स्क्वायर एच, तो पाई तो दोनों में आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बस आर स्क्वायर और एच लिख लो। आर स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर एक और इंटू एच, इसका एच कितना है चार। दूसरे में आर स्क्वायर करोगे तो चार चौके 16 और उसका हाइट कितना है तीन, ठीक है। तो ये चार से कट जाएगा, चार चौके 16, तो 1:4 = 12, यानी कि ऑप्शन पहला जो है वो सही उत्तर है। अगर मैं 15 नंबर की बात करूं, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई के 3 गुनी है, बेलन की ऊंचाई इतना है तो आयतन कितना होगा। अब ये मैं होमवर्क दे रहा हूं बिना कोई टेंशन दिए आपको, क्योंकि ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने पहले कर दिया है, बस उसमें इसके जगह पर 3.5 था, बाकी सब सेम था, तो आई होप कि आप इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। अगर मैं 16th की बात करूं, और बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आके रोना नहीं है आपको कि आपने तो इतने सारे क्वेश्चन छोड़ दिए, स्किप कर दिए हमारे लिए, तो भाई पेपर आपको देना है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जो क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कर रखा करा दिया है, क्या आप उसके लिए थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते, उसको रिवाइज नहीं कर सकते, वैसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते? जरूर करोगे और आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल है अपने पास, अ सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर इज हैमर्ड एंड मोल्डेड इनटू अ वायर। देखो वायर बना दिया गया। अब मैंने आपको क्या बताया कि जब भी एक चीज को पिघलाकर पीटकर घसीटकर कुछ भी करके अगर दूसरा चीज बनाया जाएगा तो वॉल्यूम सेम होगा। अब यहां पर तांबे के गोले को पीट करके अगर हम तार बना देते हैं तो क्या दोनों का वॉल्यूम सेम नहीं होगा? जब ये गोला था तो वॉल्यूम होगा 4/3 πr³, r है 9, तो 9 का क्यूब हो जाएगा 729, ठीक है। दूसरी साइड में जब ये तार बन गया तो तार होता है सिलेंडर के आकार का, यानी कि बेलन के आकार का, तो बेलन का आयतन लिखोगे पाई आर स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और इंटू एच, यही होगा। अब यहां से अगर काटते हो तो 4π से ये 4π कट जाएगा और 3 से ये भी कट जाएगा, 24 × 72 और 3 × 9 और यही एच का मान रह जाएगा जो कि ऑप्शन डी में है, ठीक है। तो 16 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी या फिर 4 जो भी लिखा हुआ है। घन के विकर्ण की लंबाई दिया है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। विकर्ण की लंबाई मैंने आपको बोला था √3 × L होता है और ये दिया है यहाँ पर 7 × √3। अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो L की वैल्यू 7 आ गई और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L² होता है, तो 6 और 7 का स्क्वायर हो गया 49, तो 6 × 9 = 54 और 6 × 4 = 24 और 5 = 29, यानी कि 294। फिर से ऑप्शन 4 जो है वो सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे बोला गया है कि एक घन की भुजा की लंबाई है, घन से निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या है? तो पहले ऐसा एक डायग्राम बना लेता हूं मैं, ठीक है। क्यूब है ना, तो एक क्यूब बना लेता हूं, जैसे मान लो मैंने ये एक क्यूब बना दिया, ठीक है। फिर इसके अंदर है एक स्फीयर यानी कि एक गोला, तो एक गोला भी मैं बना देता हूं जो इसके अंदर फिट हो सके, और ये आई थिंक कि फिट हो जाए, ये लगभग। एक्चुअली देखो होना क्या है कि ये थोड़ा सा और बड़ा मैं बनाऊं तो आपको समझ आ जाएगा। देखो ऐसा कुछ होगा कि ये ऊपर और नीचे दोनों जगह टच करेगा, ठीक है ना। थोड़ा ये ज्यादा ही बड़ा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। आपको समझना ये है कि ऐसे केस में जो यहां पे डायमीटर है ना इसका, वो ये लाइन बनेगा, ठीक है। और ये जो डायमीटर है वो इसकी हाइट की या फिर इसके एज के लेंथ के बराबर होगा। एज का लेंथ आपको पता है कि ये 5.6 है, तो डायमीटर भी यहाँ 5.6 बनेगा, तो रेडियस इसका हाफ यानी कि 2.8 हो जाएगा। फिर आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, वॉल्यूम 4/3 π यानी कि 22/7 और r³ यानी कि 28 का क्यूब, तो 2.8 × 2.8 × 2.8। अब अगर आप इस 7 से काट दोगे तो ये 7 × 28 0.4 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मल्टीप्लाई करने की सोचो तो 28 का स्क्वायर होता है 784, ठीक है, और ये 4 × 16 और गुणा में ये आ गया 22/3। डेसिमल को बाद में हम सोचेंगे। अच्छा डेसिमल देख के आपको क्या लग रहा है कि 1, 2 और 3 तीन डिजिट है डेसिमल के बाद, यानी कि आंसर जो भी आएगा उसमें डेसिमल के बाद में मिनिमम 3 डिजिट तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन चूंकि हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल और आगे आ सकता है और डेसिमल के बाद में 3 से भी ज्यादा डिजिट बचेंगे। लेकिन ऑप्शन में डेसिमल के बाद 2-2 डिजिट ही हैं, इसका मतलब कोई भी ऑप्शन परफेक्ट नंबर नहीं है, इसमें इसके बाद और भी
डिजिट्स आने बाकी हैं, इन्होंने बस 2 डिजिट तक ही दिया है, लेकिन देखो इन्होंने कैसा घुमाया है। यहां पर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि 2 डिजिट तक ही बताना है, इन्होंने बस ऐसे ही दे दिया। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा यहीं से डिजिटल सम या फिर यूनिट डिजिट वगैरह लगाएगा तो गलत हो जाएगा। यहां पर आप देखो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप मल्टीप्लाई करो भाई, जैसे आपको इच्छा करे वैसे मल्टीप्लाई करो। 16 दुना 32 हो रहा है ना, तो पहले मैं देखो ये 11 बच गया, और गुना में 32 को 784 से कर देता हूं पहले में। ठीक है, तो ये 4 दुना 8, 8 दुना 16, और 7 दुना 14, और 1 15, फिर हो जाएगा 4 तिया 12, और 8 तिया 24, और 1 25, और 7 तिया 21, और 1 22, और 1 23। एक बार और आएगा तो ये 8 6 और 2 8, 5 और 5 10, 3 1 4, और 1 5, और ये 2, तो ये 25 0 88 आ गया। तो जब 25 0 88 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 8, और 8 और 8 16 का 6, और फिर ये 1 आ जाएगा, और फिर ये आ गया अपने पास 5 और 5 और 2 7, और देखो एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ होने लगा यहाँ पर। 8 का 8 हो गया, 8 और 8 16 का 6, फिर 1 बचा। ठीक है, तो फिर 8 में 0 जोड़ोगे तो 8 और 1 9, फिर 0 में 5 जोड़ोगे 5, और 5 में 2 जोड़ोगे 7, और 2 लगभग इतना आएगा, और 3 से डिवाइड करोगे तो ये कितना बनेगा देखो। अब 3 निम्न 27, 9 आ गया। फिर देखो उसके बाद है 5, तो 5 आने का मतलब हुआ कि 3 एक बार में कटेगा, यानी कि ऑप्शन 9 और 1 से शुरू होगा जो कि पहले ऑप्शन में है। ठीक है, बाकी किसी में नहीं है, तो मैं आगे अब यहां से नहीं सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, आप यहीं पर पाएंगे कि इतने पर ही अगर ऑप्शन में मिल जा रहा है कि ऑप्शन पहला सही है, तो आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप आगे कैलकुलेट करो। और डेसिमल को मैं लिख के ही नहीं चल रहा हूं, क्योंकि बस मुझे डिजिट्स मिलाना था। अगर मैं आगे करता भी और 9 8 आता तो मैं आगे नहीं जाता, मैं बस डिजिट मिलाता कि 9 1 9 8 कहाँ है। डेसिमल से मुझे मतलब नहीं था कि पॉइंट कहाँ लगा हुआ है, वो बाद में तय करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर 19 की बात करें तो ये 19 में कह रहा है भाई कि एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसका आयतन बताना है। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 और π r² होता है, ये दिया है 154। ठीक है, अच्छा अब आप देखो, ये अगर बस π r² ही होता और ये 154 होता, तो आपको पता है कि ऐसे में जो रेडियस होता है वो 7 होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर ये π r² की वैल्यू 154/4 है। ठीक है, यानी कि एरिया बाई 4 है, तो जो रेडियस होगा वो बाई 2 होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा भाई, 7/2 ये रेडियस आएगा। अब यहां से आप सीधे सीधे आ जाओ आयतन पे। ठीक है, आयतन क्या होता है, 4/3 और π r³। ठीक है, अच्छा देखो मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं तो कोई परेशानी है, 4π r² और इंटू r/3, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4π r² को r से करूंगा, r³ बन जाएगा, नीचे 3 है। ऐसे लिखने से फायदा यह है कि इसके जगह पर डायरेक्ट मैं 154 लिख दूंगा अब, और r के जगह पर लिख लूंगा 7/2, 7/2 r के जगह पर हुआ, और एक ये जो 3 था वो 3 तो रहेगा ही रहेगा। अब काट लो इस 2 से, ये कट जाएगा 77 टाइम्स, तो ये 7 7 49 का 9 हासिल 7 हासिल 4, और 7 7 49 और 4 53, और बटा 3 आ गया, तो ये 3 एक बार में कट जाएगा, फिर 2 बचेगा और 3, तो 3 7 21, 1 और 7 से शुरू होने वाला मात्र एक ऑप्शन है, तो ऑप्शन सेकंड हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, आयतन पूछ रहा है, तो ये होमवर्क छोड़ देता हूं मैं आपके लिए। जो भी मुझे लगेगा कि आसान क्वेश्चन है तो वो होमवर्क जाएगा, कभी कभी मुश्किल क्वेश्चन भी होमवर्क छोड़ देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर अगर 21 की बात करूं, घन की भुजा की लंबाई दिया हुआ है, घन से निकाले जाए। अब देखो ये क्वेश्चन तो मैं फिर से होमवर्क दूंगा ना, क्योंकि ऐसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने अच्छे से यहां पर ऐसा इमेज बना के आपको दिखाया था, इस तरह का इमेज आपको याद होना चाहिए, और इसके बाहर बाहर एक ऐसा क्यूब भी बनाया हुआ था अपने, मैंने क्यूब देखो ऐसा बनाया था हमने, और इसके अंदर ये गोला सेट किया था, तो ये अगर आपको याद होगा तो आप इजिली कर पाओगे, ये होमवर्क है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को जरूर कमेंट करके मुझे बताना कि क्या आंसर लाए हो आप। अगर क्वेश्चन नंबर 22 की बात करूं, तो एक खोखले गोले के बाहरी त्रिज्या 4 और आंतरिक त्रिज्या 1 है, इस गोले का आयतन क्या है। तो देखो जब बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ है खोखले गोले में, तो आप लिखोगे गोले का आयतन तो होता है 4/3,
पाई आर क्यूब, लेकिन यहां बड़े आर का क्यूब माइनस छोटे आर का क्यूब ये लिखोगे, ठीक है, यानी कि दोनों को माइनस करोगे, ठीक है, दोनों के वॉल्यूम को। तो ये 4/3 पाई के जगह पर पाई के लिए देखो पी लिख दिया है ऑप्शन में, तो पाई तो रहेगा ही रहेगा, पाई को यहां पर उसके जगह पर मैं पी ही लिख देता हूं। आर क्यूब यानी कि 4 का क्यूब और माइनस 1 का क्यूब, 4 का क्यूब 16 और माइनस 1 का क्यूब 1, यानी कि ये 15 आएगा। तो 15 चौके 60 और ये 20 या 60, यानी कि यार लेकिन इतना तो ऑप्शन नहीं है ना किसी ऑप्शन में। अच्छा 4 का क्यूब था, मैंने स्क्वायर कर लिया, सॉरी 4 का क्यूब था तो वो 64 होगा, 64 में से 1 माइनस होगा 63, तो ये 3 से 21 या 63 और 21 चौके होता है 92। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, 92 और पाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओ सॉरी सॉरी यार, 23 चौके 92 होता है ना, ये तो 21 है, 21 चौके 92 नहीं होगा भाई, 21 चौके 84 होता है, ऑप्शन ए, सॉरी 23 चौके 92 होता है, कोई बात नहीं। गोलार्ध का आयतन दिया है, त्रिज्या बताना है, ये सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं ना, इसके लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। गोलार्ध यानी कि हेमिस्फीयर, अर्धगोले की बात कर रहे हैं। समान आयतन के 3 घन से सिरे तक जुड़े हुए हैं, 3 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स आर ज्वाइंड एंड टू एंड, अच्छा ठीक है, सिरे से सिरे तक जुड़े हुए हैं, एंड टू एंड जुड़े हैं। फाइंड द सर्फेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब इज 6√3 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए अब इसके कहने का जो मतलब है वो मैं बताता हूं आपको डायग्राम के थ्रू। 3 क्यूब्स हैं, ये मान लो पहला क्यूब हो गया, ठीक है, दूसरा क्यूब भी लगभग ऐसा ही है, इसी के साइज का है, तो यहां से मैं बनाना शुरू करता हूं, ठीक है, और वो एंड पॉइंट पे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही तीसरा क्यूब होगा और वो भी एंड पॉइंट पे जुड़ा होगा, तो ये ऐसा केस है, ठीक है, 3 क्यूब्स को हमने एक दूसरे से जोड़ दिया। अब ऐसे में कह रहा है कि इनको जोड़ने से ये जो पूरा एक क्यूबॉइड बन गया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। अच्छा बताओ ये तीनों क्यूबॉइड है, भले ये तीनों मिलके एक क्यूबॉइड बना है भले ही, लेकिन तीनों तो क्यूब ही है, तो एक ही बार में मैं तीनों क्यूब का अगर सरफेस एरिया लिखूं तो एक क्यूब के लिए सरफेस एरिया होगा 6 और इंटू एल स्क्वायर। एल कैसे निकलेगा, देखो ये विकर्ण दिया है और विकर्ण होता है एल इंटू √3, तो √3 √3 कैंसिल होगा, यानी कि एल 6 आ गया। अब L का मान 6 हो गया तो 6 इंटू एल स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36, ये एक क्यूब का एरिया हुआ। तो टोटल तीनों क्यूब का एरिया अगर मुझे निकालना हो तो 6 गुणा में 36 और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये टोटल का एरिया निकल गया। लेकिन देखो जब दो क्यूब हमने जोड़ा तो यहां पर दिक्कत क्या हुआ कि ये जो पोर्शन है ना, ये यहां पर टोटल दो सर्फेसेस जुड़े हुए हैं और वो दोनों को हमें माइनस करना हुआ क्योंकि ये एरिया तो अब इसमें एड होगा नहीं। बात समझ रहे हो कि नहीं, जैसे ये एक क्यूब हुआ एक ये क्यूब हुआ, जब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये बीच वाला तो गायब हो गया ना पोर्शन, अब बस ये एरिया रह गया, ये एरिया रह गया, ये रह गया और ये रह गया, तो दो सरफेस यहां से गायब हो रहा है, ऐसे ही दो सरफेस यहां भी गायब हो रहा है, यानी कि ओवरऑल 4 सरफेस गायब हो रहा है। तो -4 इंटू एरिया करोगे तो एक सरफेस का एरिया कितना बनेगा, ये 6 6 है तो 6 6 का 36 बनेगा, ठीक है, इसमें लंबाई 6 है और चौड़ाई भी 6 है, तो अब ये कैलकुलेट कर लो, यही आपका आंसर निकलेगा। अगर मैं 36 को कॉमन ही ले लूं तो ये बनेगा 6 3 18 और माइनस का 4, 18 में से 4 जाएगा तो ये 14, ठीक है, तो 14 6 84 हासिल 8 और 14 3 42 और 8 50, तो ये 504 आ रहा है और किसी भी ऑप्शन में 504 है नहीं। देखो एक और तरीका हो सकता है, मैं वेरीफाई कर लेता हूं कि 504 ही आंसर होगा कि नहीं। दूसरा क्या तरीका था हमारे पास, हम इनको मिटा देते और दूसरे तरीके में आप सीधे तौर पर ये कहते कि देखो भाई यहां से यहां तक तो लंबाई हो गई अब क्यूबॉइड की, और अगर ये 6 है तो ये 6 3 18 बन गया पूरा, ये हाइट अभी भी 6 है और ये जो इसका चौड़ाई है ये अभी भी 6 है, तो क्यूबॉइड का जो एरिया होता है ये 2 इंटू LV यानी कि 18 6 108 और प्लस BH यानी कि 6 6 36 और प्लस HL यानी कि फिर से 18 6 108 आता, तो ये हो जाता 2 और गुणा में ये तो 216 और 6 22 242 बन गया, 242 बनता 252 सॉरी 252, तो ये 2 × 4 और 25 × 50, ये अभी भी 504 ही आ रहा है, तो मुझे लगता है कि यहां 0 होना चाहिए था, 504 ही आंसर होगा। बाकी आप एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा देखने के बाद कि क्या आंसर सही था, ठीक है। बाकी दोनों तरीका में से मुझे लगता है कि दोनों में से कोई ना कोई तरीका आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे आता हूं मैं।
क्वेश्चन नंबर अगर 25 की मैं बात करूं, ये कह रहा है कि एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 21 है, इसे पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात 2:5 का हो जाता है, तो आधार की त्रिज्या क्या है? अच्छा देखो, अर्धगोले को पिघलाकर बेलन बनाया जाता है, आयतन सेम होगा, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर और इंटू का एच, यही होता है, ठीक है। और यहां पर अर्धगोले में आपको त्रिज्या दिया हुआ है 21, तो अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 और पाई आर क्यूब, यानी कि 21 गुणा में 21 और गुणा में 21, ठीक है। अब ये पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो गया, और कुछ कट रहा है इस 3 से, इसको काट दो, 3 7 21, तो आर स्क्वायर एच की वैल्यू आ गया 7 × 2 = 14 और गुणा में 21 गुणा में 21। अच्छा देखो, ये दोनों ही ये इसमें हर एक ऑप्शन 7 से कट रहा है, इस फॉर्मेट में भी अगर आप बना लिए इसको तो आपके लिए बेहतर है, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं इसको आर स्क्वायर मान लूं तो 14 h का मान बचेगा ऐसे में, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सेट हो जा रहा है, तो आर को आप 21 लगा भी सकते हो। और फिर भी अपने पास एक और उपाय है कि देखो, हर एक इसमें जो नंबर है वो 7 का मल्टीपल है, तो मोस्ट प्रोबेबली h की जो वैल्यू आएगी वो 7 से कटेगा और ऑप्शन दूसरा जो है वो सही उत्तर होगा। ये दोनों 3 से भी कट रहा है, तो आंसर आप 3 का भी मल्टीपल कह सकते हो। 100% कंफर्म होना है तो दूसरा स्टेटमेंट यूज कर लो आप। दूसरा कह रहा है यहां पर देखो, द रेशियो ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया टू टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? इसमें 2 π r और h, और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 π r इंटू आर प्लस एच, यही होता है। ये दिया है 2/5। अब ये 2 π r से 2 π r कटेगा और h बाई आर प्लस एच आपको दिया है 2/5, यही बात है ना। अब यहां से आप ये बोलोगे कि देखो, अगर h का मान बस 2 है और r और h दोनों का मान 5 है, यानी कि r का मान आपको 3 लेना पड़ेगा। मान लो मैं इसमें x लगा लेता हूं, तो r का मान अगर 3x है तो h का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 2x हो जाएगा, ठीक है। और दोनों का मिलाकर 5x, इसमें वैल्यू आप पुट कर लो आर स्क्वायर, यानी कि 3 × 3 = 9x² और इंटू एच के जगह पर 2x आप रख लोगे और इधर आ जाएगा 14 और गुणा में 21 और गुणा में 21, ठीक है। तो 9 को काटोगे तो 2 × 3 से काटना पड़ेगा, 3 7 21 और 3 7 21, और 2 से ये 2 7 14, तो ये इधर x का क्यूब बच गया और इधर 7 का क्यूब बच गया। इसका मतलब x का मान कितना आ गया? 7। और आपको क्या बताना था इसमें? आपको बताना था दोस्तों आधार की त्रिज्या। तो r हमने माना है 3x, तो ये आ गया 3 और x के जगह पर हमने 7 निकाला है, तो ये 7 × 21। अब आप 100% श्योर हो गए होगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 की अगर मैं बात करूं तो ये कह रहा है कि एक लोहे के पाइप का बाहरी व्यास 20 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और फिर से इसने ये लोचा लगाया, दो स्थानों तक सही होने वाला, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले पाइप का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कैसे निकाला जाए? तो ये कुछ इस तरह के बेलन की बात कर रहा है जो कि हॉलो सिलेंडर हो गया, यानी कि खोखला बेलन हो गया। अब खोखला बेलन में अगर आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है तो 2-3 चीजें याद रखनी पड़ेगी। जैसे देखो, टोटल सरफेस एरिया, एक तो ये सरफेस बना, कितने सरफेस बने ये आप समझिए। एक ये बना ऐसे ही सेम नीचे बन गया यहाँ पे, ठीक है। और ये जो साइड साइड वाला, एक ये बाहर का और एक ये अंदर का, ठीक है। दो तो 3-4 जगह हो गया, ओवरऑल 4 बार आपको एड करना पड़ेगा। तो जो टोटल सर्फेस एरिया बनेगा दोस्तों, ये बनेगा, देखो ये कितना है, तो बाहर वाले एरिया में से अंदर वाले सरफेस एरिया को माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा? देखो, पाई और बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। और ऐसे ही यहां पर नीचे भी है, ये बात आपको समझना पड़ेगा, दोनों जगह पर है, ठीक है। तो इसको हम 2 बार लिख लेते हैं कि ये हो गया 2 × बड़ा r² - छोटा r², ये वाला और ये वाला। फिर इसमें बाहर वाला होगा 2 π r बड़ा वाला और h, और अंदर वाला होगा 2 π r छोटा वाला और h। तो इस दोनों को भी प्लस करना होगा, 2 π r h और प्लस 2 π r h, बस ये कैलकुलेट करना है। अब देखो, ये 2 हो गया बड़ा r, बड़ा r कितना होगा? 20 हो गया इसका व्यास, तो बड़ी r कितनी हो गई भाई? 10, और छोटा r कितना हो गया? उससे 1 कम होगा, यानी कि ये 9 होगा। तो यहां पर 10 का स्क्वायर हो गया 100 और 9 का स्क्वायर 81, तो ये 19 रह गया, 2 π यहां पर होगा, सॉरी, ठीक है, 2 π रहेगा। ये हो गया अपने पास।
और प्लस का ये देखो कि 2 पाई और h कॉमन है, तो मैंने 2 पाई और h ले लिया कॉमन, तो अंदर रह गया r और प्लस r, यानी कि 10 और 9 19 रह गया अंदर। यहां पर अभी भी पाई है, अब ये बच गया 19 दूना 38 पाई, ये कितना हो गया 38 और पाई, और ये हो गया 19 दूना 38 और इंटू पाई, और h भी अभी बकाया है, h यहां पर 12 है, ठीक है। तो अगर 38 पाई को मैं कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 12 और 1 13 टाइम्स ऑफ 38 पाई, तो 13 × 38 और पाई का मान 22/7, ये कैलकुलेट करना है ओवरऑल हमें। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा दोस्तों, पहले मैं 13 दुना 26 को 38 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 26 गुणा में 38, तो 6 8 48 का 8 हासिल 4, और ये 8 दुना 16 और 4 20, और ये 6 3 18 और 2 3 6 और 1 7, तो ये 988 आ गया। अब 988 को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 8 एकम 8, 8 और 8 16 का 6, 9 8 17 और 1 18 और 9 और 1 10, इतना आ गया, और बटा 7। अब 7 से डिवाइड कर लो इसको, तो ये 7 एक बार में 3 और 8, तो 7 25 35, देखो 15 से शुरू होने वाला अब एक ही ऑप्शन है, 1 और 5 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, तो आगे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। बाकी आप चाहो तो अपनी मर्जी के हिसाब से अपना मनोकामना पूर्ण कर सकते हो पूरा कैलकुलेट करके। अब अगर मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 27, थोड़ा कैलकुलेटिव कोई कोई क्वेश्चन है। यहाँ पे एक गोले का आयतन दिया हुआ है और पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, तो गोले के आयतन से आप रेडियस निकाल लोगे, और रेडियस निकाल लोगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, ये आप कर लेना, ठीक है। अगला सवाल है अर्धगोले की त्रिज्या दिया हुआ है, तो आयतन निकाल लोगे आप, कोई भी मुश्किल काम नहीं आएगा इसमें। कैलकुलेशन शायद आ जाए तो कैलकुलेशन जहां भी आपके लिए बाधा होगी वो सवाल मेरे लिए आधा होगी, आप मुझे डायरेक्ट उसको भेजना, फिर मैं देखूंगा। अगले वाले में अर्धगोले का व्यास दिया है, तो त्रिज्या आप निकाल ही पाओगे कि ये 35/2 हो गया, और आयतन अर्धगोले का 2/3 और पाई यानी कि 22/7 और r³। देखो है कितना छोटा लेकिन कैलकुलेशन कितना बड़ा कर दिया इन्होंने, ये आ गया ओवरऑल, ठीक है। अब देखो ये 7 25 35 तो कट जाएगा, इस 2 से ये 2 भी कट जाएगा, और इस 2 से ये 11 दुना 22 कट जाएगा, लेकिन अभी अभी ऊपर है 35 का स्क्वायर जो कि होता है 1225, और गुणा में 5 और गुणा में 11, और नीचे है 3 दुना 6। इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, 5 25 25 और 2 25 10 और 2 12, और फिर 12 25 60 और 1 61, यही होगा ना, और गुणा का 11 और बट्टा 6। अब अगर मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 5 का 5 5 और 2 7 और 2 और 1 3 6 और 1 7 और 6 और बटा 6, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास अगर मैं 6 से डिवाइड करूं इसको। देखो कैलकुलेशन है जरूर इसमें, ठीक है, इसमें या फिर कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जो देखने में छोटे हैं लेकिन कैलकुलेशन है वहां पर, ठीक है। तो यहां पर अगर आगे आप देखोगे तो ये आएगा 6 से 11 6 66। अब देखो ये 11 से चूंकि स्टार्ट हो रहा है ना, तो 11 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, तो ये सही हो गया। देखो आप लास्ट स्टेज तक बस पहुंचो, उसके बाद तो आप किसी कोई ना कोई तरीका लगा के अपना आंसर निकाल ही पाओगे, लेकिन पहले लास्ट स्टेज तक पहुंचो। यहीं पर अगर यही कैलकुलेशन देख के आप छोड़ दिए तो टाइम लगना है, मैं ये कह सकता हूं कि फर्स्ट राउंड में आप छोड़ो, लेकिन ये करने लायक है क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं 38 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो ये कह रहा है 0.37 सेंटीमीटर मोटा गोलार्ध है, गोलार्ध का कटोरा बनाने के लिए स्टील का उपयोग किया गया है, कटोरे की आंतरिक त्रिज्या है, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। अच्छा देखो आंतरिक त्रिज्या इतना है, इतना मोटा है स्टील, तो बाहरी त्रिज्या कितना बनेगा, आप बोलोगे 6 और प्लस 0.37, तो ये हो गया 6.37, ठीक है। आपको कटोरे का बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल, अब बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल ये ऐसा कटोरा है, मान लो अगर ये मोटा भी है तो बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल में यही निकालोगे ना आप, ठीक है। तो बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल चूंकि ये गोलार्ध है तो ये बस 2 और πr² बनेगा, तो 2 हो गया, पाई का मान 22/7, r² का मतलब 6.37 और × 6.37, क्या ये 7 से कटेगा, तो जी हाँ ये कट जाएगा 0.7 में 63 और 7 एक बार में, तो ये अभी बच गया आपके पास। देखो
गुणा में 22 और गुणा में 0.91 और गुणा में 6.37, ये कैलकुलेट करना है। अब साधारण भाषा में अगर मैं आपसे एक बात पूछूं तो आप ये कहोगे कि देखो भाई, इसमें डेसिमल के बाद दो डिजिट है, इसमें भी डेसिमल के बाद दो डिजिट है, यानी कि 2 और 2 4, तो जब भी इसका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा ना, उसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट आएंगे, तो ये परफेक्ट वाले तो आंसर नहीं होंगे, इन दोनों में से कोई सही होगा। लेकिन इनमें से कौन सही होगा, इसके लिए क्यों ना हम यूनिट डिजिट लगा लें, क्लियर रहेगा ना, क्योंकि जब पूरा दे ही दिया तो यूनिट डिजिट लगाने में दिक्कत क्या है। आप कैलकुलेट करो, 2 दूना 4, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, 28 में लास्ट में 8 आएगा, तो ये तो गलत हो गया ना सीधे सीधे, तो दूसरा ऑप्शन सही उत्तर है। देखो इतना कैलकुलेशन होने के बाद भी हम इसको कितना इजिली कर पा रहे हैं, वरना जैसे आर की वैल्यू आपने देखा था तो बहुत लोग आर की वैल्यू देख के ही यहां से निकल लेंगे, लेकिन इजी है आगे चल के ये, ठीक है। तो आई थिंक कि आप बात को समझ पा रहे हो और हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को जरूर से सब्सक्राइब करोगे अगर आप नए हैं तो, ठीक है, और ऐसे ही वीडियो आगे आपको मिलती रहे इसके लिए बेल आइकन भी प्रेस करेंगे और लाइक करके अपनी खुशी भी जाहिर करेंगे और कमेंट बॉक्स में भी आप इमोजी भेजोगे। आगे बढ़ते हैं, आंसर भी भेजना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, अ कॉपर स्फीयर ऑफ डायमीटर 18 मीटर इज ड्रॉन इनटू अ सिलिंड्रिकल वायर ऑफ लेंथ 12 मीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द वायर। कुछ भी हो अगर उसको दूसरा चीज बनाया जाएगा वॉल्यूम सेम होगा। यहां पर ये गोला था, गोला का वॉल्यूम 4/3 πr³, r है 18 का आधा 9, तो ये 9 × 9 × 9। दूसरे साइड ये बेलन है तो बेलन का आयतन होता है πr² और इंटू का h जो कि यहाँ पे 12 है, तो ये 3 × 9 और 4 × 12 से ये 12 गया और पाई से पाई कट गया, तो आर की वैल्यू साफ सुथरी शब्दों में 9 आ गई, यानी कि ऑप्शन दूसरा जो है वो सही उत्तर है, ठीक है। अगर मैं 32 की बात करूं, अभी 32 पर ही पहुंचे हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, उसकी त्रियक ऊंचाई और त्रिज्या दिया हुआ, ये सब क्वेश्चन तो आप कर लेना, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। जहां कैलकुलेशन आएगा वहां मैं खुद से सॉल्व कर दूंगा। इसमें गोले का आयतन दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये भी कर लेना आप, ये लो देखो 34 में आ गया और इस पर होमवर्क लिखा गया, और जो लिखा गया वो तो लिखा गया भाई, ये भी अब आपको ही करना पड़ेगा। देखो फिर भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है और जो तरीका आप लगा रहे हैं वो टाइम टेकिंग हो रहा है, देन यू फील फ्री टू सेंड मी द क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्ट आप मुझे एनके मैथ्स मैं बोल रहा हूं क्या होता है भाई वो इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप भेज देना मेरे पास, या चाहो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो उसको और डिस्कस कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पर। ये क्वेश्चन है, 8 मीटर ऊंचाई और 10 मीटर तिरछी ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र सतह का क्षेत्रफल। अब शंकु का वक्र सतह का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, पाई का मान तो आप 22/7 रख दोगे, आर के जगह पर कुछ नहीं रख पाओगे क्योंकि वो निकालना पड़ेगा, लेकिन h की जगह पे फिलहाल 8 मीटर रख सकते हैं और r की जगह पर जो मन में आए वो आप निकाल लेना यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मैं r की बात करूं कि भाई r की जगह पर हम क्या रखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, देखो लेकिन l की जगह पर आप रख सकते हो ना यार, मैं क्या बताऊं, l है 10 मीटर, यहाँ पे l की जगह पर हम 10 रखेंगे ना, और बाकी आपको r निकालना पड़ेगा। तो ये देखो 4 का डबल है, ये 5 का डबल है, तो एक 3 का डबल आएगा 6, यही बात है ना, ये आएगा तो 10 × 6 = 60 और ये तो पाई ही है, तो 60 पाई, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा, 35 का सेकंड। अगर मैं 36 की बात करता हूं, आ जाओ भाई, 4 सेंटीमीटर व्यास और 12 सेंटीमीटर लंबाई वाले लोहे के छड़ को समान मोटाई के 12 सेंटीमीटर तार में बदला जाता है, तो तार की मोटाई ज्ञात कीजिए, कर देंगे भाई, तार की मोटाई भी ज्ञात कर देंगे। अब सीधी बात है भाई कि जब एक चीज को दूसरे चीज में चेंज करोगे बदलोगे तो वॉल्यूम सेम होना है। पहला वाला छड़ था, छड़ भी बेलनाकार होता है तो वॉल्यूम होगा 4 πr² h, तो पाई आर स्क्वायर लिखोगे, 4 का आधा 2 तो 2 का स्क्वायर 4 और एच की जगह पर 22। दूसरी साइड में तार ही है, तार भी बेलनाकार होता है तो यहाँ भी पाई आर स्क्वायर एच होगा, पाई आर स्क्वायर और इसका हाइट है 12 और मीटर, थोड़ा सा ध्यान देना कि ये सब सेंटीमीटर में है और ये 12 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में अगर लिखोगे तो 1200 सेंटीमीटर लिखोगे।
अब ये पाई से पाई कट जाएगा और 12 से 12 कट जाएगा, तो आर का मान 0.4 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी। अब अगर मैं 37 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 37 की, तो 37 में आपसे कह रहा है दोस्तों कि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, आयतन दिया हुआ है। तो ऐसे ऐसे सवालों को आप एक खुद निपटिएगा, ठीक है। 38 नंबर में एक खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या 6 है, आंतरिक त्रिज्या 3 है, तो गोले का आयतन, गोले का आयतन तो वैसे 4/3 और पाई आर क्यूब होता है, लेकिन यहाँ आर क्यूब माइनस आर क्यूब करना पड़ेगा क्योंकि गोला खोखला है, तो बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन को माइनस करना पड़ेगा। तो 4/3 पाई के लिए पी लिख दिया है, तो हम भी पी लिख देते हैं। आर क्यूब यानी कि 6 का क्यूब हो गया 216 और माइनस 3 का क्यूब हो गया 27, तो ये हो गया 4/3 और पाई, और ये 16 में से 7 गया 9 और 20 में से 2 गया 18, तो 3 6 18 और 3 3 9, तो ये हो गया 4 3 12, 6 6 24 और 1 25 पाई, यानी कि 252 पाई, जो कि पहले ऑप्शन में है, ठीक है। अगर मैं 39 नंबर की बात करूं, तो ये कह रहा है 12 18 और 27 सेंटीमीटर भुजाओं वाले घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। देखो, घन बनाओगे तो वॉल्यूम उसका किसके बराबर आ जाएगा भाई, वॉल्यूम एल क्यूब होता है, लेकिन इनके प्रोडक्ट के बराबर आएगा, ठीक है। तो 12 को मैं 6 गुना 2 लिख देता हूं, कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। 18 को मैं 6 गुना 3 लिख देता हूं, और 27 को क्या लिख दूं भाई, मैं 27 को क्या लिख दूं, अब इसको तो 27 को 3 के ही फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो 3 गुना 3 गुना 3 लिख देता हूं। अब ऐसा लिखने से हुआ क्या, ये 6 ये 6 और ये 3 और दूना 6, तो ये 3 बार 6 है, तो एक 6 निकल जाएगा और इसमें से एक 3 निकल जाएगा, तो L का मान आ गया 18। अब देखो, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 और इंटू एल स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर, और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का कितना होता है, 2 इंटू एल बी यानी कि 12 गुना में 18, तो 12 पर है 144, और फिर से बच गया आपके पास 6, तो 12 6 72, ठीक है। तो ये 100 नहीं, इतना नहीं होगा, 216 आएगा ये, ठीक है, और प्लस 18 और गुना में 27, तो ये चूंकि जगह इसके लिए चाहिए तो मैं अलग से इसको लिख लेता हूं, ठीक है। अच्छा देखो, अलग से नहीं लिखोगे तो भी आपके पास एक तरीका है इसको पकड़ने का, कैसे, क्योंकि ये जो लास्ट वाला आ रहा है आपके पास, घनाभ का चाहे जो भी आ जाए, अब देखो ये कोई ऐसा ही हो सकता है जो इसको काटने के बाद जो बच सके, बताओ इसको काटने पीटने पर कहीं से भी 17 बच सकता है, या 19 बच सकता है, या 23 बच सकता है। आप बोलोगे इस जन्म में क्या किसी जन्म में पॉसिबल नहीं होगा, जब तक गणित का नियम चलेगा तब तक ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये लिखा है 6 गुना में 18 गुना में 18, इनको चाहे किसी भी नंबर से काट लो, आप 17 नहीं ला सकते हो, ना ही 19 ला सकते हो, और ना ही 23 बचेगा। काटने के बाद कोई ऐसा ही नंबर बचेगा जो 6 से या फिर 3 से या फिर 9 से या 2 से कट जाए, ये सब नहीं बच पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन तीसरा ही यहां पर एकल पॉसिबिलिटी है, तो तीसरा ही सही है। आगे आ जाते हैं 42 नंबर पर, 42 नंबर नहीं, एक्चुअली में ये 40 नंबर ही है, ठीक है। 42 सेंटीमीटर आधार के व्यास के साथ 42 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक ठोस शंकु 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली लकड़ी ठोस गोले से काटा जाता है, दशमलव के 2 स्थानों तक बर्बाद की हुई लकड़ी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सही हुआ कि मैंने लड़की नहीं पढ़ा यहां पर, वरना लेने के देने पड़ जाते। तो देखिए, मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, कुछ ऐसा ही डायग्राम बनेगा। इसमें एक शंकु है, यानी कि आपके पास कोण है, उसमें से एक गोले को यानी कि स्फीयर को कट करके बाहर निकाला जाता है। अब इसमें बर्बाद की हुई लकड़ी कौन सी है भाई, ये जो बच रहा है ना पोर्शन, ये बर्बाद लकड़ी है, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं हुआ, ठीक है। तो इसी का एरिया आपको बताना है, एरिया बताना है नहीं, वॉल्यूम बताना पड़ेगा ओवरऑल आपको, क्योंकि ये उसी का परसेंट, अच्छा और वो भी परसेंटेज में पूछ लिया है, बहुत अच्छा। चलो पहले हम वैल्यू ऐसे निकालते हैं कितना बचा होगा, तो आप सीधे सीधे अब शंकु के आयतन से गोले के आयतन को माइनस करोगे, ठीक है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई और आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। शंकु में आप लिखोगे 1/3, पाई के जगह पर लिखोगे 22/7, आर स्क्वायर जो है दोस्तों ये कितना बन जाएगा यहां पर,
42, देखो आधार का व्यास 42 है तो त्रिज्या होगा 21 गुणा में 21, और गुणा में ये हो गया ऊंचाई इसका 42। इसमें से माइनस करोगे 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली ठोस लकड़ी का गोला है, तो गोला का आयतन 4/3 पाई यानी 22/7, ठीक है। और क्यों ना हम पाई को पाई ही रहने दें, क्योंकि हमें तो परसेंटेज निकालना है ना अल्टीमेटली। इस 22/7 को भी हटाओ और इसको भी हटाओ, दोनों के जगह पर मैं पाई ही रहने दूंगा, इसको पाई ही रहने देते हैं। और ये 4/3 और पाई आर क्यूब यानी 24 और गुणा में 24 और गुणा में 24, ये बात है। कुछ तो गड़बड़ महसूस हो रहा है इसमें, चूंकि बर्बाद होने का मामला है तो कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा हाँ, हमने सवाल ही उल्टा पढ़ लिया ना। देखो शंकु, एक ठोस शंकु 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लकड़ी के ठोस गोले से काटा जाता है, हमने उल्टा समझ लिया यार। देखो गोला बाहर होगा, अब ये काम करना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी करेंगे। चलो टाइम दो मुझे, मैं इसको इरेज करके दूसरा फिगर बनाता हूँ। देखिए कुछ ऐसा केस है, ये बर्बाद एरिया है, ठीक है। ये जो लकड़ी का हिस्सा है ये बर्बाद वाला है, ठीक है। शंकु को काट के बाहर निकालना है भाई गोले में से। चलो तो पहले गोले का आयतन निकाल लो। गोले का आयतन 4/3 पाई और आर क्यूब, तो आर हो गया 24 × 24 × 24, और माइनस हो गया शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो 21 गुणा में 21 और इंटू एच 42 हो गया, ये बात था। अब ये अगर काटते हो आप तो 3 से कट जाएगा, 3 × 8 = 24, तो ये हो गया। देखो 24 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पर, तो आप बोलोगे दोस्तों कि 24 का स्क्वायर हो गया 576, और गुणा में ये 8 × 4 = 32। एक ही बार मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 6 × 12, 7 × 14 और 1 = 15, और 5 × 10 और 1 = 11, 6 × 3 = 18 और 7 × 3 = 21 और 1 = 22 और 5 × 3 = 15 और 2 = 17। तो ये आ गया 2 और 1 = 3, नहीं 8 × 5 = 13 का 3, 2 + 1 = 3 और 1 = 4, और ये 2 = 7 और 1 = 8 और 1, तो ये 18 432 आ गया, ठीक है। और पाई और माइनस ये कितना आ जाएगा, 3 से काटोगे तो 14 × 3 = 42, 21 का स्क्वायर हो गया 441 और गुना में 14, तो ये तो कर सकते हैं ना हम। 14 × 14 = 4 हासिल 1, और 14 × 4 = 56 और 1 = 57, और फिर 14 × 4 = 56 और 5 = 61, 61 ये आ गया। इसको माइनस कर लो तो पाई तो रहेगा ही रहेगा, फिर 2 यानी कि 12 में से 4 माइनस करोगे 8, ठीक है। और ये बच गया 2, तो 12 में से 7 माइनस करोगे 5, और ये बच गया अपने पास 3। अच्छा सॉरी, ये एक मिनट, नहीं ठीक ही था, यहाँ 3 बच गया, 3 में से 1 गया 2, और ये 18 में से 6 गया तो 12, तो 12 258 पाई आ गया। अब परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज के लिए आप डायरेक्ट लिखो कि देखो 12 258 पाई टोटल का कितना परसेंट हुआ, टोटल किसका, गोले वाले का, तो ये गोले वाले का है, इसको आप नीचे लिख लो, या डायरेक्ट उसका यहाँ पे प्रोडक्ट लिख सकते हो, 18 432 पाई और इंटू 100, ये निकालना है। अब पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी भी काटते पीटते रहेंगे। अब ऑप्शन बहुत नजदीक तो नहीं है, कैलकुलेट हम कर सकते हैं। देखो ये 4 से कटेगा, क्या 4 से तो नहीं कटता नजर आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। अब ये कैलकुलेशन बहुत टाइम ले सकता है, चलो कोई बात नहीं, जहां तक कटेगा काटते हैं। 2 से अगर इसको काटते हो तो ये 2 × 6 = 12, 2 1 बार में, 2 1 नहीं, 2 × 2 = 4, फिर 2 × 2 = 4 और 2 × 18 यहां तक कट गया, ठीक है। 2 से सही कटाना, 29 × 58 और 61 × 122, ठीक है। और 2 से इसको काटोगे, 2 × 18, 2 × 2 = 4, 2 1 बार में और फिर 2 × 6 = 12, इतना पर कट गया। अभी भी ये 4 से कट सकता है, ठीक है। 4 से अगर काटोगे, 9 और 6 = 2 = 8 और 1 = 9, देखो ऊपर वाला 9 से कट रहा है और ये 9 × 6 = 2 = 8 और 1, 9 से दोनों कट रहा है, तो 9 से अभी दोनों को काटते हैं। इसको 9 से काटोगे, 9 1 बार में, फिर 9 × 2 = 18, 0 लगेगा, 9 1 बार में, फिर 0 और 9 × 2 = 18, तो बच गया आपके पास
नौ चौके 36, इतनी बार में कट गया। 9 से इसको काटोगे तो ये कटेगा, देखो 9 छक्के 54 और 9 अट्ठे 72 और 9 एक बार में, ठीक है, इतना आ गया। अभी भी ये 3 से कट रहा है लेकिन नीचे वाला कटने का नाम नहीं ले रहा है 3 से, तो ज्यादा से ज्यादा अब इसको आप 4 से काट सकते हो, ठीक है। 4 से काटोगे तो ये कट जाएगा, देखो 25 चौके 100 और 6 चौके 24, और इसको 4 से काटोगे तो ये 25 चौके 100 अभी। लेकिन ऊपर का मल्टीप्लीकेशन आपके लिए दिक्कत करेगा और नीचे का कैलकुलेशन, तो इससे अच्छा है कि हम काटे ना, अब इस पर डिवीजन पे आ जाएं, ये भी ना काटिए तो बेहतर होगा। ये आ गया 681 पे 2 0 और नीचे आ गया 1024। अब ये आपके ऊपर है कि इसको कितना जल्दी और कैसे आप करोगे। देखो अगर मैं ऑप्शन से चलूं तो ये 7 बार में या 5 बार में तो नहीं जाएगा, 10 छक्के 60, यानी कि ये 6 से थोड़ा ऊपर जाएगा। 6 कहने का मतलब कि फर्स्ट डिजिट तो 6 ही आएगा, तो इन दोनों की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, इन दोनों की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। अब या तो ये 66 हो जाए या 67 हो जाए, तो बहुत करीबी मामला है, तो उचित होगा कि जब 2 डिजिट तक का ही बात है तो आप ऐसे ही डिवाइड कर दो 6 8, क्योंकि 2 डिजिट ही निकालना है। पहला 6 बार में जाए ये भी कंफर्म हो गया, 6 बार में कटोगे काटोगे तो ये 6 चौके 24 का 4 आ जाएगा हासिल, 2 और 6 दुना 12 और 2 14, फिर से 1 आएगा और 60 और 1 61, ठीक है, इतना आएगा। तो ये 10 में से 4 माइनस करोगे तो 6 आएगा, ये आ जाएगा 10 में से 4 माइनस करोगे 6 आ जाएगा, ये 7 में से 1 माइनस करोगे 6 आ जाएगा, और ये कट गया और ये 0। आपको पता है कि ये अभी भी 6 बार जा सकता है, 7 बार में अभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि 7 बार में जाने का मतलब कि ये 7000 पे चला जाएगा और ये 6000 प्लस ही है, तो 66 से शुरू होने वाला ऑप्शन तीसरा सही है, और फिर और कोई उपाय इसमें नहीं लग रहा है, ठीक है। एक घन की भुजा की लंबाई दी हुई है, इससे काटे जाने, ये होमवर्क हो गया यार, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने कर दिया है। इसका आधा हो जाएगा, इसका गोले का जो त्रिज्या होगा ये इसका आधा हो जाएगा 1.4, फिर उसका आयतन निकाल लो आप फॉर्मूला लगा के, ये तो कर ही लोगे आप, ठीक है। और ये वाला तो मैं कर दूंगा, आप ड्रीम 11 पे चले जाओ भाई, टीम बनाने। शंक्वाकार पात्र है, लोहे का बना है, बनने दीजिए, आधार की त्रिज्या 7 है, ऊंचाई इतना है, प्रति घन सेंटीमीटर लोहे का भार इतना है, तो पूरे बर्तन का भार कितना हो जाएगा। कोई बात नहीं, वॉल्यूम निकाल के और 15 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दो, यही तो काम है, ठीक है। देखो 7 सेंटीमीटर इसके आधार की त्रिज्या है, ऊंचाई दिया हुआ है, शंकु का जो आयतन होता है ये 1/3 पाई यानी 22/7, R² यानी 7 × 7 और H यानी कि ये 15 है, ठीक है। अब देखो 1 घन सेंटीमीटर का 15 ग्राम है, तो इतने का दाम कितना होगा, इससे 15 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरा वेट निकल जाएगा, और चूंकि ऑप्शन में केजी है तो 1000 से डिवाइड भी कर दो कि केजी बन जाए, बस देखिए काटें तो ये 7 से 7 कट गया और 3 से 1 कट गया, 3 5 15, तो ऊपर बच गया 22 5 110 और गुना में 15 7 105 और बटा 1000, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 11 से, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इस 0 से इस 0 को काट देते हैं, फिर 11 5 55 और 11 1 11 11, 11.55, ये तो इजी हो गया कैलकुलेशन। 43rd की बात करें, 43 21 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है, और ये 594 दिया है और एल की वैल्यू आपसे जानना चाह रहा है, तो पाई के जगह पर अगर आप 22/7 रख दो, आर के जगह पर अगर 21 रख दो, तो क्या आप एल नहीं बता पाओगे, ये 594 ही रहने दो, 22 से कटेगा तो 22 × 44, फिर 9 और 6 15, तो 22 7 154, ये 27 बार में कट गया, ठीक है, और 7 से 1 कट गया, 7 3 21 और 3 से 3 9 27, तो एल का मान 9 आ गया, ऑप्शन थर्ड। अब बात करते हैं हम 44 की, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलों की संख्या जिन्हें ढालकर 90 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलन बनाए जा सकते हैं, डिवाइड कर दो। यहां पर डायरेक्ट नंबर कैसे आएगा, बड़ा वाला आयतन ऊपर लिख लो, यहां पर गोला है, गोला का आयतन होता है 4/3 और पाई आर स्क्वायर सॉरी आर क्यूब होगा एक ही बार, तो ये 6 अगर व्यास है तो आर 3 होगा, ये 3 का क्यूब आ गया, और डिवाइडेड बाय यहां पर देखो बेलन का आयतन होता है पाई
आर स्क्वायर, आर इसका कितना है भाई 4 सेंटीमीटर है, तो 2 हो जाएगा और इंटू एच हो गया 90। यही बात है, ये पाई से पाई चल देगा, ये 3 से 3 हो जाएगा, 2 दूना 4 से 4 कट जाएगा और 3 तीन 9 से 9। तो यार ये 10 आंसर आना चाहिए था, लेकिन दिक्कत ये है कि ये 10 तो ऊपर जाना चाहिए था ना। अच्छा देखो, इसमें गोला का जो क्षेत्रफल है वो छोटा है, सॉरी आयतन छोटा है, और इसका आयतन बड़ा होगा क्योंकि गोलों की संख्या बतानी है, यानी कि वो छोटा है। ठीक है, हम गलत समझ गए थे। बाकी ये जो 0 आ रहा है इसका मतलब 10 हो गया। देखो ये चीज हमें ऊपर लिखनी थी और ये चीज नीचे, तो ये जो 0 बच रहा है इसका मतलब 10 बचता और ऑप्शन पहला सही हो जाता। आगे बढ़ते हैं, यही है, अब कितना आगे बढ़े भाई। एक घन की भुजा की लंबाई इतना है, ये चलो मैं बता देता हूं, घन की भुजा की लंबाई जब इतना है तो जो सबसे बड़ा आयतन जब जो सबसे बड़ा गोला निकलेगा ना, उसका जो रेडियस होगा वो इसका आधा होगा, यानी कि 0.7 होगा। तो उसका वॉल्यूम बताना आपके लिए महा इजी काम है, 4/3 और पाई आर क्यूब, तो पाई के जगह पर 22/7 ले लो, आर क्यूब हो गया 0.7, 0.7 और फिर से 0.7। और अगर इस सभी पॉइंट को मैं गोली मारूं तो ये नीचे 1000 बन के आएंगे, और ये 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3 किसी भी कीमत पे नहीं कटेगा। बात तो यही सत्य है। अब अगर आगे बात करें हम, तो आप देखोगे दोस्तों कि अब मल्टीप्लाई करना अति आवश्यक है। तो 7 का स्क्वायर 49 और ये 22 चौके हो गया 88। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो 88 पचे में से एक बार 88 माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 8 पच्चे 40 और 8 पच्चे 40 और 4 44 में से 88 को अगर मैं माइनस करूंगा, 10 में से 8 माइनस करूंगा 2, और ये हो गया 13 में से 8 गया 5 और ये 3, तो ये 352 और बटा 3 आ रहा है। तो ये 3 एक बार में और एक से शुरू होने वाला ही एक ही ऑप्शन है। क्या ये इतना आएगा, लेकिन 3 एक बार में और फिर से 3 एक ही बार में जाने लगा, यार कुछ गलत मल्टीप्लाई कर दिया क्या हमने? बिल्कुल गलत है, इसको मैं मानता हूं और स्वीकार भी करता हूं बहुत रिस्पेक्टफुली। यहां पर एक और 0 आना चाहिए था, बस गलती इतनी छोटी सी है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी हो गई और आपके लिए भी। 10 में से 8 माइनस करोगे 2 और ये 9 बन गया, ठीक है। तो 9 में से 8 माइनस करोगे तो ये 1 आना चाहिए इसको, और ये बच गया अपने पास 43। तो ये ओवरऑल आया 4312 और डिवाइडेड बाय 3, ये 1000 भी है अपना, उसको बाद में आप कंसिडर कर लेना। तो ये 3 से अब माइनस करोगे तो ये 14 3 42 दिख ही रहा है, यानी कि 1.4 लगभग आ जाएगा, अब सही है। अब अगर मैं 45 पर आता हूँ तो 45 भी अपना बहुत ही अच्छा सवाल है। एक शंक्वाकार तंबू बनाने के लिए कितने घन मीटर सॉरी कितने मीटर 2 मीटर चौड़े कपड़े की आवश्यकता होगी, जिसके आधार का व्यास इतना और तिरछी ऊंचाई इतना है। तो पहले आप कर्व सरफेस एरिया निकाल लो, जो कि पाई आर एल होता है। तो पाई को तो आप चाहो तो पाई ही रहने दो, लेकिन फिलहाल मैं 22/7 लिख देता हूँ। आर की जगह पर आप ये लिखोगे, ये व्यास है तो आर 7 हो गया, और तिरछी ऊंचाई कितनी है आपके पास 9, तो 7 से 7 कट गया। तो 22 नम्मे कितना हो गया, 220 में से 22 माइनस कर दो तो 198, यही बात है ना। अब आपसे कह रहा है कि 2 मीटर कपड़े चौड़े चौड़ा है, ठीक है, तो 2 से सीधे सीधे डिवाइड कर दो, अब मुश्किल काम ही नहीं रह गया। उसकी लेंथ कितनी होगी, एल इंटू बी जब 198 है और बी 2 दे रखा है, तो 2 से काट लो, तो एल का मान 2 निम 18, 2 निम 18 आ जाएगा 99। उसका लंबाई आपसे पूछ रहा है। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई की 4 गुनी है, यदि ऊंचाई इतना है। अब बताओ, ऐसा क्वेश्चन मैंने शुरू में बताया है, ये आप कर लेना, ठीक है। आगे आता हूं, 7 सेंटीमीटर ऊंचे एक शंकु के छिन्नक के सिरों की त्रिज्याएं 5 और 3 है, इसका आयतन निकालिए। देखो, शंकु का छिन्नक, जिसको हम साधारण भाषा में बाल्टी बोलते हैं और अंग्रेजी भाषा में हम इसको फ्रस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आयतन बताना है, तो आयतन का सही फॉर्मूला आपको याद रहना। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 1/3 और पाई और इंटू बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस इनका प्रोडक्ट और इंटू का एच। इसमें वैल्यू पुट कर दो तो 1/3 22 की जगह पर यहां पर बोला है कि 22/7 ही लेना है, इंटू बड़ा आर स्क्वायर, बड़ा आर कौन सा है भाई, 5,
तो 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 5 तिया 15 और हाइट है 7। इस 7 से 7 कट गया तो ये 22/3 और गुना में देखो 9 5 14 यानी कि 24 और 25 हो गया 49। तो ये 22/5 110 यानी कि 1100 में से 22 को आपको माइनस करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 1078/3, यही आएगा। तो 3 3 9 और फिर 1 7 तो 3 5 15, 3 और 5 से शुरू होने वाला जो ऑप्शन है वही उचित उत्तर हो सकता है, ठीक है। और ऐसा जो है ऑप्शन वो बी है यानी कि दूसरा। अब अगर मैं बात करूं 49 नंबर के, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल इतना है, कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ जिसको आप डायगोनल बोलते हो यानी कि विकर्ण, विकर्ण की लंबाई अगर घनाकार है तो √3 × L होता है, इसके हिसाब से L कितना आ जाएगा 8, तो ये 8√3 यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है 49 का। 50 की अगर मैं बात करूं, एक शंक्वाकार बर्तन जिसकी आंतरिक त्रिज्या 20 ऊंचाई 27 है, यदि इसको पानी से भरा गया है, अब ये कह रहा है कि यदि इस पानी को 15 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले बेलनाकार पात्र में डाला जाए तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। देखो पानी का वॉल्यूम दोनों ही केस में सेम रहेगा, ये बात तो तय है। तो दूसरे वाले का अगर दूसरा क्या है भाई, बेलनाकार पात्र है तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, 15 दिया हुआ है तो 15 × 15 और × H, और यहाँ कितना होगा, ये भी शंकु है तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी कि 20 × 20 और H कितना हो जाएगा 27, यही होगा। अगर आप काटते हो 3 से तो ये 3 में 27 कट जाएगा और ये 5 3 15, 5 3 15 और ये 9 गया और ये 5 4 20 और इस 5 से 5 4 20 और ये पाई से पाई गया, तो H का मान 4 4 16 आ गया जो कि पहले ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। 51 पर आ जाते हैं, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और 12 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाले शंकु में ढाला जाता है। ये मैं होमवर्क छोड़ देता हूं, बार बार मैंने बता दिया कि जब भी किसी चीज को पिघलाकर दूसरा बनाओगे तो आयतन समान रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। यदि एक लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का दुगुना संख्यात्मक मान उसके आयतन के संख्यात्मक मान के बराबर है तो बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी होगी। देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का दोगुना उसके आयतन के बराबर है, अब बताओ बेलन का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, ये किसके बराबर है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के दोगुना के बराबर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, इसके डबल के बराबर है पाई आर एल। लंब वृत्तीय बेलन है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो शंकु समझ गया था यार, चलो कोई बात नहीं, बेलन के ही हिसाब से काम करेंगे। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और ये 2 पाई आर एच का डबल है, कहने का मतलब ये है। तो आधार की त्रिज्या बतानी है, काटो पाई से पाई को काटो और एच से एच को काटो तो आर स्क्वायर का मान कितना बच गया, और इस आर से इस आर को भी काट दो तो ये स्क्वायर हट ही गया, 2 × 2 = 4 ही आ गया, तो ऑप्शन चौथा जो है वो सही उत्तर हो गया 52 का। 53 की अगर बात करूं यानी कि 53, एक घोड़ा मैदान में चर रहा है, उस पर भी सवाल बना दिया, बेचारे को चरने देना चाहिए था आराम से। इसे 6 मीटर लंबी रस्सी से बांध कर देखो, 6 मीटर ही है और इतनी लंबी लिख रखी है, लग रहा है कितना लंबा है, एक खंभे से भी ऊपर से बांध दिया। अब ये कह रहा है कि घोड़ा को बिंदु ए से बी तक 70 डिग्री के कोण के साथ चाप बनाता हुआ चलता है तो कितना त्रिज्याखंड चलेगा। देखो भाई ऐसा कुछ बनेगा ना, त्रिज्याखंड का एरिया, ये 70 दे दिया, त्रिज्याखंड का एरिया होता है 3 बाई सॉरी थीटा बाई 360 × पाई आर स्क्वायर, तो ये थीटा हो गया 70/360, ठीक है, और पाई यानी कि 22/7 और आर स्क्वायर, आर यानी कि जो रस्सी की लंबाई है, तो ये 6 × 6 = 36 से ये 36 कट गया, 0 से 0 कट गया, 7 से 7, तो ये तो 22 एरिया आ गया जो कि आसान निकला। लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं बहुत ही मुश्किल के बाद, अर्धगोले का व्यास इतना है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 6.3, आधा हो जाएगा, और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 और पाई यानी 22/7 और आर क्यूब यानी कि 6.3 × 6.3 × 6.3, ये पॉइंट है, 7 3 21 3 63, तो ये 2.1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल जो कैलकुलेशन होगी वो देखो कितनी बड़ी होगी, 2 × 22
गुना में 2.1 गुना में 6.3 गुना में 6.3। सबसे पहली बात कि डेसिमल के बाद एक दो और तीन अंक है, तो ये दोनों तो गया, इसमें से कोई पॉसिबल हो सकता है क्योंकि डेसिमल के बाद तीन अंक आना चाहिए। अगर यूनिट डिजिट की बात करें अब, तो दो दुना चार, चार एकम चार, चार तिया 12 का दो और दो तिया 6, ये तो किसी में नहीं आया। क्या कहना चाहता है भाई ये, दो दुना चार एकम चार, चार तिया 12 और दो तिया 6। लेट मी चेक, तमाम कोशिशों के बाद मैंने गलती पकड़ ली है, और गलती ये है कि यहाँ पर मैंने 7 तिया 21 से ये 21 तिया 63 कटना चाहिए था, तो ये सब हो गया गलत, तो इनकी खराब कर देंगे अब हम हालत, क्योंकि इन्होंने हमारी हालत खराब करी है। देखो अब ये आ गया दो दुना चार, चार तिया 12 और 12 तिया 36 और 36 तिया 108, लास्ट में 8 आएगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट से इसको हमने धो दिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मेंसुरेशन को हमने पूरा पूरा सॉल्व कर दिया है, और दो चार या पांच क्वेश्चन जो भी मैंने होमवर्क दिया है, आई होप कि आप उनमें से जो भी अच्छे क्वेश्चन हैं, कैलकुलेटिव हैं, उनको दिल लगा के और दिमाग लगा के सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के बाद अच्छे इमोजी के साथ उसको होमवर्क लिख करके और कमेंट करोगे, जिसमें मेरा हैशटैग इनके मैथ्स भी लिखा रहेगा। ठीक है, तो बस इसी सुविचार के साथ अपने वीडियो को खत्म करता हूं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो।